ओनो मोबाइल न्यूज में आपका स्वागत है और आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज रहने वाली है इस BYD E-Max 7 की। इंडिया के अंदर मिलने वाली ओनली एंड ओनली 6-7 सीटर MPV यही है जो आपको इलेक्ट्रिक के अंदर मिलेगी। नमस्ते व्यूअर्स, ग्लोबली देर आर लॉट्स ऑफ मैनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर और इन सबकी स्पेशलिटी है, लाइक जैसे टोयोटा जानी जाती है रिलायबल कार्स बनाने के लिए, उनका डीजल इंजन काफ़ी रिलायबल माना गया है। सेम वे मारुति जानी जाती है माइलेज के लिए, सिट्रोइन जानी जाती है ग्लोबली कंफर्टेबल कार बनाने के लिए, और वोल्वो जानी जाती है सेफेस्ट कार बनाने के लिए। सेम वे BYD जानी जाती है इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए। जैसे ही मैं BYD का नाम लूंगा लोग बोलेंगे कि ये चाइनीज कंपनी है, इस पे विश्वास नहीं करना। 1995 से कंपनी केवल बैटरी के बिजनेस में है एंड बैटरी मैन्युफैक्चर कर रही है। इन्होंने शुरुआत ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ की है, तो ये स्पेशलाइज्ड है इसी के अंदर, और इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक इलेक्ट्रिक कार को आज के टाइम में सस्टेन करने की कैपेबिलिटीज देते हैं। अंडर 30 लाख मिलने वाली MPV है, तो सीधा मुकाबला आप इनोवा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि डीजल पर डे बाय डे फाउंडेशन आने वाली है। तो क्या ये इनोवा क्रिस्टा को रिप्लेस कर पाएगी? लेट्स नो ऑल अबाउट दिस कार इन दिस वीडियो। BYD, बिल्ड योर ड्रीम। एन इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर और इंडिया के अंदर करीब 2 साल से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं, एंड ये इंडिया के अंदर BYD की तरफ से 4th कार है, और टेक्निकली ये 3rd कार है, क्योंकि 1st कार BYD स्पेस वो डिसकंटिन्यू हो गई है। अभी ये आपको BYD E-Max 7 के नाम से मिलेगी। ये गाड़ी आपको 6 और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ मिलेगी। BYD E-Max 7 अवेलेबल है मेजरली 2 वेरिएंट में, प्रीमियम एंड सुपीरियर। बेस वेरिएंट रहेगा प्रीमियम एंड टॉप एंड वेरिएंट रहेगा सुपीरियर। मेजरली 2 वेरिएंट है, बट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीटिंग कैपेसिटी यहां पर ये 4 वेरिएंट हो जाएंगे। E-Max 7 अवेलेबल है 4 बॉडी कलर ऑप्शन के साथ, ब्लैक, वाइट, ग्रे और ब्लू कलर। बाकी इनके टेक्निकल नेम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, और प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा रखा गया है इसका, 26.9 लाख से 29.9 लाख। 6 सीटर और 7 सीटर के प्राइस के बीच में 70,000 का डिफरेंस है। ऑन योर स्क्रीन सुपीरियर वेरिएंट। गाड़ी काफ़ी सिंपलिस्टिक रखी गई है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। सामने से सिंपल वे में इसका डिज़ाइन रखा गया है एक MPV के हिसाब से। यदि आपको याद हो ई स्पेस पहले आती थी 5 सीटर, लगभग साइड प्रोफाइल से वही झलक आपको इस कार के अंदर भी मिलेगी, बट फ्रंट फेसिया इसका उसके कंपेरेटिवली फुल्ली लोडेड है। अभी जैसे BYD के रिसेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वैसा यहाँ पर आपको फ्रंट फेसिया मिलेगा BYD का लोगो, एंड यहाँ पर सिल्वर कलर के साथ इसकी ये सेंट्रल ग्रिल कनेक्टिंग है। ये LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED DRL एंड इंडिकेटर वगैरह सब कुछ आपको एक ही असेंबली में नज़र आएगा। एयर कर्टेंस एरोडाइनमिक्स को बेहतर बनाने के लिए, एंड यहाँ पर क्रोम का यूजेस आप फ्रंट बम्पर पर देखेंगे। सामने की तरफ फ्रंट कैमरा 360 डिग्री कैमरा इसका मिल जा रहा है। अडास है इसलिए यहाँ पर ये रडार आपको नज़र आएगा, एंड सामने कुछ ऐसी नज़र आएगी ये BYD E-Max 7 की प्रोफाइल। साइड में आपको मिनिमल कर्व्स एंड क्रीज के साथ 17 इंच के टायर्स हैं, GT कंपनी के टायर्स हैं। इंडिया के अंदर ऑफकोर्स ये कंपनी आपने नहीं देखी होगी, एंड डायमंड कट के साथ अलॉय व्हील यहाँ पर नज़र आएगा। साइड टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा, और यहाँ पे NFC स्टैंड्स फॉर, वो आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। क्रोम लाइनिंग नीचे की तरफ, कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्लोसी ब्लैक, एंड यहाँ पर रूफ रेल्स फंक्शनल। बड़ा सेकंड डोर स्पेस की ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगी। चार्जिंग इनलेट, AC टच चार्जर और DC फास्ट चार्जर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जा रहा है। LED लाइट्स, एंड ये बीच में कनेक्टिंग एलिमेंट। रियर कैमरा यहाँ पर BYD के अगेन ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर डिफोगर, रियर वाइपर, सेंटर माउंटेड स्टॉप लैंप एंड शार्क फिन एंटीना। पीछे 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, एंड नीचे बम्पर पर आपको रिफ्लेक्टर और उसके साथ क्रोम फिनिशिंग जरूर देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर मिलता है इलेक्ट्रिक टेलगेट,
Here we go. बूट स्पेस काफ़ी मैटर करता है आपके लिए, लेकिन बूट कैपेसिटी बताने से पहले बूट के अंदर एमिनिटीज़ देख लेते हैं. हेलोजन बल्ब, यहाँ पर पंचर रिपेयर किट, रिफ्लेक्टर, टोइंग हुक और ये सारी एसेसरीज हैं. BYD में आपको स्पेयर व्हील मिलता नहीं है, सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं. जनरली आपने नोटिस किया होगा जब भी हम स्ट्रैप पुल करते हैं किसी भी कंपनी में, इससे पहले उनका क्या है कि स्ट्रैप को ओपन किया और स्ट्रैप ऐसे ही हवा में लहराता हुआ नज़र आएगा. बट BYD थोड़ा सा एडवांस थी, इन्होंने यहाँ पर बाकायदा इसके लिए कपलर्स बना दिए, हाउसिंग बना दी है. अब ये यहाँ पर ही रहेंगे, आपको मतलब चलती हुई गाड़ी में इधर उधर हिलेंगे नहीं. एंड बेस्ट थिंग, ये मैग्नेटिक है. सी, तो छोटी सी चीज़ है बट काम की चीज़ है. थर्ड रो के लिए सीट बेल्ट दोनों पैसेंजर्स के लिए, और थर्ड रो वालों के लिए स्पीकर यहाँ पर दोनों साइड मिलेंगे. एंड दोनों तरफ आपको होल्डर जरूर नज़र आएगा थर्ड रो के लिए. एंड ऊपर आपको नज़र आएगा थर्ड रो के लिए वेंट्स एंड फोल्डेबल ग्रैब हैंडल. बूट स्पेस कैपेसिटी, यदि आप थर्ड रो ऑक्यूपाई रखते हैं को यहाँ पर मिलेगा 180 लीटर का बूट स्पेस एंड यू कैन एक्सपेंड इट टू अप टू 580 लीटर. जब हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलेंगे थर्ड रो में. इंटीरियर में चलने से पहले आप पहले इसकी की को जानिए. एक की जिस पर आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग के लिए स्विच, लेकिन की फोब के साथ है. जब बैटरी डाउन हो जाती है तो आप यहां से की निकाल के आप इसको मैन्युअली आप ओपन कर सकते हैं. कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा. दूसरी की है ये NFC की, स्मार्ट कार्ड मिलेगा आपको. जस्ट सिंपली आपको टैप करना है इसके ऊपर गाड़ी लॉक, एंड जैसे ही आप टैप करेंगे दोबारा गाड़ी अनलॉक. गाड़ी का इंटीरियर फीचर लोडेड है, आपको हर एक वो फीचर्स मिल जाएंगे जो आज के टाइम की नेसेसिटी है और ड्राइवर के कंफर्ट के लिए जो जो फीचर्स होने चाहिए. यहाँ पर लाइट ब्लिंग हो जाएगी सेफ्टी के लिए, पेडल लैंप जिसको बोलते हैं, ब्राउन कलर के अंदर एलिमेंट्स मिल जाएंगे डोर पैड्स पे. वुडन इंशर्ट्स यहाँ पर दिया गया है, सिल्वर इंशर्ट्स यहाँ पर दिया गया है थोड़ा डोर पैड को प्रीमियम बनाने के लिए. एंड सेम एलिमेंट आपको पूरी कार के अंदर नजर आएगा. और भी हम क्लियर रखना है, फोगी वेदर में या रेनी सीजन में तो यहाँ से AC की हवा आएगी एंड ये सिंपली ORVM को क्लियर कर देगी ये, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट हो जाता है. सेम मैकेनिज्म हमने इससे पहले एटो 3 में भी देखा और सफारी के अंदर भी हमने सेम चीज़ देखी है. इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड भी, वेंटिलेटेड है और लेदराइट टच के साथ है. दूसरी चीज़, एक्सटेंडेड आपको थाई सपोर्ट मिल जाएगा. एक्सीलेटर एंड ब्रेक, डेड पेडल को मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ. यहाँ से आप हुड खोल सकते हैं, यहाँ से बूट खोल सकते हैं और यहाँ से आपका कॉइन बॉक्स सॉफ्ट लेदर टच के साथ. मल्टी फंक्शनल आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट माइक वॉइस कमांड मोड एंड ये सारी चीज़ों में स्विच ऑन करने के लिए ये पैनल है. ये सारे आप ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड कंट्रोल हैं, क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट एंड फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग और स्क्रीन को लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड में स्विच ऑन करने के लिए बटन डेडिकेटेड यहीं पर दिया गया है. यहाँ पर एनालॉग स्पीडोमीटर है, इधर आपको ये पूरा बैटरी की रेंज मिलेगी कितने किलोवाट है, बूस्ट मोड है, यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है तो चार्ज होगी हो तो कितना चार्ज होगी ये यहाँ पर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा. MID बीच में हमेशा इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अभी जैसे स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी लगी हुई तो स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, इधर बैटरी कितने परसेंट रह गई है और रेंज यहाँ पर नीचे नज़र आ रही होगी. 393 किलोमीटर की रेंज है. ट्रिप ए पे 49.4 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है. इधर गाड़ी की स्पीड नज़र आएगी इस तरफ. हेडलाइट के कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन इसके अंदर आ जाता है, इंडिकेटर वगैरह ये सारे फंक्शन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं. एंड वाइपर के कंट्रोल आपको इधर नजर आएंगे स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड. 360 डिग्री कैमरा का व्यू एक बटन से आप ले सकते हैं यहाँ से, बाकी आप इससे भी सारी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें सारे बटन्स वगैरह दिए गए हैं. होम, आप एप्पल एंड्रॉयड कार प्ले की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वायरलेस स्पॉटिफाई आप इनबिल्ट मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, नेविगेशन मिल जाएगा एंड ड्राइव असिस्टेंट, क्रूज कंट्रोल और ये सारे फंक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे. इसके अंदर अडास लेवल कौन सा है वो एग्जैक्टली BYD ने मेंशन नहीं किया है, बट इसके अंदर वो सारे फीचर्स आ जा रहे हैं जो अडास लेवल 2 में आते हैं. सेंटर कंसोल लोडेड विद फीचर्स लाइक यहाँ पर वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, AC को ऑन ऑफ करने के बटन यहाँ पर नजर आएंगे, यहाँ से डिफरेंट मोड में स्विच ऑन कर सकते हैं. एंड 3 मोड होंगे इसके अंदर, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, और वॉल्यूम प्लस माइनस करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं. रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, अंडर आर्मरेस्ट एक 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप सी USB चार्जर, एक मेमोरी कार्ड एंड एक USB, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. यहाँ पर आप मोबाइल या वॉलेट रख सकते हैं, 2 ग्लास होल्डर भी मिलेंगे, उस स्टार्ट बटन, BYD, बिल्ड योर ड्रीम, AC वेंट्स एंड अगेन प्लास्टिक के अंदर है बट वुडन फिनिशिंग यहाँ पर ऊपर की तरफ दी गई है एंड ये भी हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है. ऑटो डिमिंग IRVM को आप मिस करेंगे. ये सनग्लास होल्डर,
इसकी ये पूरी जो रूफ है पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी, मूनरूफ, वो ओपनेबल नहीं है, केवल ओपनेबल इसका सनशेड है। आप बहुत बड़ी सनरूफ, सनशेड में वैनिटी मिरर और वैनिटी लैंप मिलेगा एलईडी के अंदर। सेम वे कोल्ड ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर विद वैनिटी लैंप नजर आएगा। सेकेंड रो, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट मिलेगा, पेडल लैंप मिलेंगे लाइक फ्रंट सीटिंग। तीन लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, आप ऑप्शन ले सकते हैं, आपको दो लोगों वाला भी चाहिए यानी सिक्स सीटर चाहिए तो आपको यहाँ पर कैप्टन सीट्स मिलेंगी, एंड ये सेवन सीटर वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर तीन लोगों के बैठने की जगह नजर आ रही होगी। यहाँ से आप इसका रेक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं, एंड अंदर जाना हो तो आप इस बटन से आप खोल के सीधा अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर नजर आएगा आपको दो कप होल्डर्स और तीनों पैसेंजर्स के लिए हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। आइसोफिक्स माउंट एंकर्स भी मिलते हैं दो। गुड न्यूज, यहाँ पर फ्लैट सरफेस है तो तीनों पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। टाइप ए एंड टाइप सी चार्जर और इधर आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो के लिए आप एसी का कंट्रोलिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड रो के लिए एसी वेंट्स यहाँ पर हैं, एंड कैबिन के अंदर जितनी भी लाइट्स है सब एलईडी के अंदर नजर आएगी। लेंथ, विड्थ एंड हाइट 4710 लेंथ है, विड्थ 1810, हाइट 1690 mm की रहेगी। फ्रंट का व्हील ट्रैक है 1540 mm का एंड रियर का ट्रैक है 1530 mm का, करीब 10 mm का डिफरेंस है। और व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, 2800 mm का व्हील बेस है। 2800 mm का व्हील बेस, इट मीन्स आपको अंदर काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। कर्व वेट, गाड़ी के कर्व वेट और GVW वेरिएंट वाइज वेरी करेंगे। रीजन बिहाइंड, इसके अंदर दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है दोनों वेरिएंट में। अभी यदि आप प्रीमियम लेंगे तो वहाँ पर आपको छोटा बैटरी पैक मिलेगा, एंड सुपीरियर लेंगे तो आपको बड़ा बैटरी पैक मिलेगा। अकॉर्डिंगली इसका बॉडी वेट भी वेरी करता है। प्रीमियम के अंदर इसका जो कर्व वेट है सिक्स सीटर का वो रहेगा 1780 kg का, एंड सेवन सीटर का प्रीमियम के अंदर वेट रहेगा 1800 kg का, और GVW 2279 kg एंड सेवन सीटर का 2374। सेम वे सुपीरियर के अंदर बैटरी पैक बड़ा होने की वजह से जो कर्व वेट है वो मिलेगा 1895 kg सिक्स सीटर के लिए एंड 1915 kg सेवन सीटर के लिए। 2394 kg इसका GVW रहेगा सिक्स सीटर के लिए एंड 2489 इसका वेट रहेगा सेवन सीटर के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस 17 इंच के टायर की वजह से मिलेगा आपको 170 mm का। बूट स्पेस 180 लीटर से 580 लीटर के बीच में वेरी करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव ये कार रहेगी। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा विद ABS, एंड टायर साइज यहाँ पर मिलता है 17 इंच का 225/55R17 का टायर सेक्शन यहाँ पर मिलेगा। मैकफर्जन स्ट्रट एज ए सस्पेंशन फ्रंट के अंदर नजर आएगा, एंड रियर के अंदर आप मल्टी लिंक सस्पेंशन नजर आएगा विद हाइपरजन सस्पेंशन। गाड़ी के अंदर दो बैटरी पैक मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन वेरिएंट, प्रीमियम एंड सुपीरियर के। यदि आप प्रीमियम लेते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा 55.4 किलोवाट आर का बैटरी पैक, वो 89 किलोवाट तक का ये फास्ट चार्जर को ये बैटरी पैक सपोर्ट करेगा। 7 किलोवाट आर का एसी चार्जर आपको दोनों वेरिएंट के साथ स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, जो घर पर भी आप उसकी सहायता से अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। सेम वे यदि आप सुपीरियर लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा 71.8 किलोवाट आर का बैटरी पैक, जो सपोर्ट करेगा 115 किलोवाट के फास्ट डीसी चार्जर को। ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले अंडर द हुड आप देखिए, यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन है। इधर आपको नजर आएगा इसका ब्रेक फ्लूड, कूलेंट वगैरह यहाँ पर है, विंडशील्ड फ्लूड यहाँ पर टॉप अप कर सकते हैं। नॉर्मल बैटरी इसके नॉर्मल मैकेनिज्म को पावर देने के लिए, एंड ये मोटर है, यहाँ पर इसका फैन कूलिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है। बाकी ABS यूनिट एंड सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आएगा। खैर, अभी बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। भाई सुपीरियर के लिए तो सबने बता दिया, व्हाट अबाउट प्रीमियम, जिसके अंदर आपको 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। प्रीमियम वेरिएंट 0-100 करेगा 10.1 सेकंड के अंदर। NEDC रेंज इसके साथ मिलेगी 420 किलोमीटर की पर चार्ज के साथ। और सेम वे यदि आप सुपीरियर की बात करें, जिसके अंदर आपको 71 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, वहां पर NEDC रेंज मिलेगी 530 किलोमीटर की और 0-100 वो करेगी 8.6 सेकंड के अंदर 115 किलोवाट के फास्ट डीसी चार्जर को ये सुपीरियर वेरिएंट सपोर्ट करेगा। 10-80% करीब 50 मिनट्स के अंदर हो जाएंगी दोनों गाड़ियां इन डीसी फास्ट चार्जर के साथ।
BYD EMAX 7 के दोनों वेरिएंट इक्विप्ड हैं ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ। ये ब्लेड बैटरी सेफ हैं, सक्सेसफुली इन्होंने नेल पेनिट्रेशन टेस्ट कंप्लीट किया है। तो अभी आपके लिए एक कंपनी बोल रही है ईवी की बैटरी सेफ है। टिल नाउ बैटरी की सेफ्टी पर किसी भी कंपनी ने कोई अभी तक आवाज़ नहीं दी थी, कोई टेस्ट के बारे में नहीं दिया था, लेकिन BYD इंडिया के अंदर फर्स्ट कंपनी ऐसी बनी है जिसने अपनी बैटरी के लिए बोला है कि मेरी बैटरी नेल पेनिट्रेशन टेस्ट को क्लियर कर चुकी है। फॉर सेफ्टी यहाँ पर मिलते हैं आपको 360 डिग्री कैमरा, रियर में आपको पार्किंग सेंसर, सभी सीट्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, TPMS, सेकंड रो के लिए आपको आइसोफिक्स माउंट एंकर्स, भी टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलेगा विद ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा, ADAS सिस्टम, अभी ADAS लेवल 2 है या 3 है ये डिस्क्लोज नहीं किया है। बाकी इसके अंदर सेफ्टी पैरामीटर्स सारे आ जाते हैं लाइक फ्रंट लेन वार्निंग, क्रूज कंट्रोल, डोर ओपनिंग वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, प्रिडिक्टिव कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन डिपार्ट असिस्ट भी मिल जाता है और इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट भी इसके अंदर मिल जाता है। अब दोनों वेरिएंट डिफरेंस है जो आपने देखा ये आपने सुपीरियर देगा, बाकी जो ये आप प्रीमियम के लिए तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेंगी लाइक आपको पैनारोमिक रूफ ग्लास नहीं मिलेगा, रूफ रेल्स, फ्रंट फ्रेमलेस वाइपर्स, आपको 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर साइड की सीट जो 4-way एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिक टेल गेट भी नहीं मिलेगा प्रीमियम में। बाकी इसके फीचर्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। डिफरेंसेस के अलावा कुछ फीचर्स दोनों वेरिएंट में स्टैंडर्ड भी हैं, जैसे कि आपको दोनों वेरिएंट में रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, V2OL का फंक्शन मिलता है विच मीन्स आप व्हीकल को एज ए इलेक्ट्रिक पावर बैंक यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली देर आर नो राइवल्स और प्राइस रेंज की बात करते हैं तो फिर आपको MPV सेगमेंट किंग टोयोटा इनोवा इस प्राइस रेंज पे मिल जाएगी। तो अभी आपके ऊपर है कि आप इस प्रीमियम MPV को ले रहे हैं या आप इनोवा क्रिस्टा को ले रहे हैं। बाकी इनोवा क्रिस्टा भी इसके फीचर्स के सामने तो फीकी डेफिनेटली पड़ने वाली है, दोनों अपने अपने सेगमेंट में रिलायबल है। तो कैसी लगी आपको BYD EMAX? डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप 2-wheeler चलाए तो हेलमेट का प्रयोग और 4-wheeler चलाए तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।